अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। दोस्तों, आज हम बनाएंगे देसी मुर्गी की कढ़ाई। चले आए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैं कढ़ाई में डालूंगी पानी। मेरे पास 2 किलो देसी मुर्गी है और पानी डाल के उसके अंदर साबुत मिर्चें, दालचीनी और लौंग ये सारे डाल के, चिकन डाल के, और इसको ना, ये देसी है, इसके अंदर पानी इसलिए डाला कि ये ज़रा वेट पे 5-10 मिनट रखूँगी, फिर ये गल जाएगी। साथ में नमक डाल दूंगी। नमक डाल के इसे 10 मिनट का वेट दे दूंगी। अगर आपका मुर्गा छोटा है तो आप कम वेट दे देंगे, काफ़ी बड़ा था इसलिए मैं 10 मिनट का वेट दे रही हूँ। जब तक चिकन गलता है तो हम दूसरे मसाले साथ तैयार कर लेते हैं ना। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया। दूसरा मसाला तैयार करने के लिए ऑयल डालती हूँ। अगर आप मक्खन और देसी घी वगैरह डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ प्याज, मैंने कट करके रखे हुए थे। ये है लहसुन, ये देसी लहसुन है, इसको छील के रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये मसाला हमारा, ये देखिए प्याज और लहसुन फ्राई हो गए हैं, अभी इनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये लहसुन और प्याज जो मैंने फ्राई की थी इनको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ये लहसुन और प्याज जो मैंने फ्राई करके रखे थे इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसी के अंदर मैं टमाटर डाल के उनको भी ग्राइंड कर लूँगी। ये टमाटर डाल के भी अंदर मैंने पेस्ट बना ली है। ये देखें इतनी अच्छी सी ये पेस्ट तैयार हो गई है। ये मैं डालती हूँ कढ़ाई के अंदर। टेस्ट को दुबला करने के लिए कढ़ाई के अंदर मैं डालती हूँ मक्खन, और साथ में ये मक्खन के अंदर ये जो मैंने पेस्ट बनाई है ये डाल दूँगी। मैं इसको ना ब्लैक पेपर के अंदर पकाऊंगी। ये 1 चम्मच, 1½, 1.5 चम्मच ये डाल दूंगी और गरम मसाला डालूंगी। नमक मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त डाला था, थोड़ा सा इसके अंदर डालती हूँ मसाले के अंदर टेस्ट के लिए। अदरक डालती हूँ, इसको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। ये सब्ज़ मिर्चियाँ 6-7 हैं, इनको मैंने दरमियान से कट करके ये डालती हूँ अंदर। चिकन हमारी गल गई है अच्छे तरीके से, ये देखें हड्डियों से अलहदा हो गई है। ये देखें अब मैं कढ़ाई के अंदर डालती हूँ। ये धनिया है, धनिया पाउडर नहीं है, ये धनिया साबुत धनिया था, इसको मैंने हाथों के साथ थोड़ा सा क्रश करके ये ऐसे ही डालना है और इसी स्टेज पर डालना है। ये कढ़ाई के अंदर इसका बहुत मज़ा आता है। ये सब प्याज, सब्ज़ प्याज हैं फ्रेश है, ये ऊपर थोड़े थोड़े डाल दूँगी। ये सब्ज़ धनिया ये भी ऊपर डाल दूँगी। कढ़ाई हमारी माशाल्लाह रेडी हो गई है। इसी के ऊपर थोड़ी सी अदरक फ्रेश कट करके बारीक बारीक ऐसे ये डाल देंगे। देसी मुर्गे की कढ़ाई आपने पहले ऐसी कभी नहीं खाई होगी। ये माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। आप इसी तरीके से बना के और प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर ये कैसी बनी है। हमारी ऐसी और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।